मेरे को बार बार पूछते हैं इस देश में कांग्रेस तरक्की नहीं की वो, एक आपके नोटिस को लाता हूं। 1947 के पहले पढ़े लिखे लोग लिटरेसी रेट क्या थी, सिर्फ 18% थी, और 13-14 तक 74% पढ़े लिखे लोगों को हमने तैयार किया। उसमें मोदी भी आए, शाह भी आए, केसीआर भी आए, सब आए ये 74% में, क्योंकि 18% में तो नहीं आते, वो तो आजादी के पहले का है आंकड़ा। इसमें हमने ये सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा होने के बाद वो हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत सबको, क्या है बोलते हैं वो, हमेशा वो बोलते हैं कि हम देश को मजबूत बनाएंगे और मैंने जो काम किया हूं बड़ा, सबको सुख और शांति मिलेगी, ये कहते थे। सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं मरते हैं तो वो गुजरात में मरते हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, 1000 बच्चे अगर इस देश में पैदा हो गए तो पहले 47 के पहले 165 लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। और हम जो 53 साल में काम किए तो उसका रेट हो गया 1000 को 30 लोग, यानी इतना 165 का 30 लोग का। तो ये जो बच्चों को पालने का, पोसने का, उनको हेल्थ देखने का, मिड डे मील का, ये किसने किया? हमने किया। आज हमको पूछते हैं 53 साल का रिपोर्ट दो, ये लो रिपोर्ट है मेरे पास। उसके बाद लेडीज, जो महिलाएं पढ़ती थी, 7% महिलाओं लिखे पढ़े होते थे। क्या रेणुका चौधरी जी नहीं है क्या, भाग गए? चलो हो गए जाने। तो फीमेल लिटरेसी क्या था, 7% था। आज हमारे जमाने में जब छोड़ के आने तक 2014 तक 65% महिलाएं पढ़ी लिखी है, और शेड्यूल कास्ट के लोग, उनका लिटरेसी रेट क्या था आजादी के पहले, 10% था, और आज 69%, यानी 14 तक की बात कर रहा हूं, 69% लोग पढ़े लिखे हो गए। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की है। ये सब रिपोर्ट मेरे पास है, एसटी 8.53 आजादी के पहले, अब 60% है। तो ये काम इससे भी ज्यादा हमने किया, ये पूरा रिपोर्ट है। अगर रेवंत रेड्डी जी को टाइम मिला तो ये सबको, नहीं नहीं मिला, ये सबको आप बताना होगा कितने लोग पहले मरते थे, कितने रहते थे। इसमें हमारा पूरा प्राइमरी स्कूल कितने थे, हाई स्कूल कितने थे, कॉलेज कितने थे, और पहले पहले किसानों को दाम कितना मिलता था, हम आने के बाद कितना, एनडीए का कितना, हमारे यूपीए का कितना, ये पूरा है। आप अच्छा पढ़ो, जाकर केसीआर को बोलो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग काम करते हैं वो करते ही रहते हैं। मैं, मेरे को पॉलिटिक्स में आके 56-57 साल हो गए, मैं एमएलए एमपी बन के 52 साल हो गए, मैं हमेशा इलेक्शन जीतते आया, ये परसों एक ही इलेक्शन में हारा। 12 इलेक्शन में मैं 11 इलेक्शन जीता, एक
मोदी जी मेरे पीछे लगे थे, लेकिन मैं नहीं डरता। लेकिन जब अंदर के लोग ही जरा धोखा देते हैं तभी मुश्किल होता है। तो मैं इसीलिए इस मंच पर बैठे हुए सभी से विनंती करता हूं, जो कुछ करना है मिलके करो, जरूर हम जीतेंगे। एक दूसरे के पैर खींचने से सबसे बड़ा नुकसान तेलंगाना के लोगों को होगा, क्योंकि इतना करप्ट गवर्नमेंट, इतना सभी को लेके चलने वाले नहीं है सिर्फ पैसे के बलबूते पे। और कहीं तो आप सुने हैं कि कांग्रेस के लोग 27 लोग चुन के आए थे, उनको मेजोरिटी थी यहां पर, फिर क्यों भाई एक 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 करके लिए? क्या तुम्हारे उसूलों को मान के आए क्या? क्या आपके उसूलों को मान के, आपके उसूल कौन से हैं? हमारी तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हमारे लोग तो देश के एकता के लिए जान दिए हैं। इंदिरा गांधी अपनी जान दी देश के एकता के लिए, राजीव गांधी एकता के लिए अपनी जान दी, और आज राहुल गांधी जनता के साथ जनता के लिए जो पार्लियामेंट में बात करते हैं तो उनको बर्खास्त किया गया पार्लियामेंट से। अब स्टे लिए वो बात और है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन वो डरे नहीं। वो बोले कि मैं डरने वाला आदमी नहीं, मैं ना डरूंगा और किसी को डराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ काम करने वाला। ऐसे नेता हमारे पास है, और बाकी के लोग कुछ काम किए बिना हवा में आए सब लोग, हमने बना बना हुआ दिया उनको, वो लेकर बैठे हैं और वो समझते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। तो इसलिए भाइयों, और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ये 12 जो डिक्लेरेशन है फिर एक बार मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पढ़ के दिया है और इसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बोला था। तो ये 12 पॉइंट आपको करके देंगे, और इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, फिर वो दूसरे हमारे जो मीटिंग होगी उसमें सबको बताएं। ये तो यहाँ पर एससी एसटी का डिक्लेरेशन था तो हमने ये काम किया, तो इतना बड़ा काम हम आपके सामने करके दिखाएंगे। और मैं और एक बधाई भी देता हूँ हमारे नरसिम्हा जी को, तो वो वर्किंग कमेटी के मेंबर बने और सभी लोग एक साथ है यहाँ पर, बहुत से दूसरे लोग भी हैं, सभी बने सर, वंशी भी बने, राजू भी बने, सब लोगों को लेके गए हम। बाकी अभी आने वाले भी हैं, इतना ही नहीं और लिस्ट आने वाला है, उसमें भी एक दो कहीं एडजस्ट होने वाले हैं, वो उस वक्त ही मालूम होता है, अब नहीं बोलते हम आपको। अरे तुम ऐसा ही बोलते, पहले एक आदमी थे तुम वर्किंग कमेटी में, मैं 6 दिया हूं इस बार, 6 दिया। अरे तुमको मिला नहीं मिला, नहीं तुम्हारे को मिला नहीं मिला बात, लेकिन एक ही आदमी वर्किंग कमेटी में था, मैं आने के बाद 6 बैकवर्ड क्लास को दिया, 6 शेड्यूल कास्ट को दिया और 4 एसटी को दिया। ये कब हुआ था? 66% महिला। इसीलिए जरा धैर्य रखो भाई, संभालो, जब दूसरों को तो मिल रहा है तो शांति रखो, जब तुमको भी आएगा एक वक्त तो। लेकिन ये तो किया, इसलिए धन्यवाद बोलो कांग्रेस का, मैडम का, राहुल का। तो इसीलिए ये जो काम आज हो रहे हैं सबके लिए हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत बन रही है। हर जगह मैं खुद जा रहा हूं, मैं राजस्थान गया था, छत्तीसगढ़ गया था, मध्य प्रदेश गया था, आज तेलंगाना आया हूँ, फिर नेक्स्ट हर जगह माहौल देख रहा हूँ, सभी लोग कांग्रेस 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 बोल रहे हैं। इसीलिए हमको आने वाले
असेंबली इलेक्शन में केसीआर को हराना है और मोदी को दिल्ली के इलेक्शन में हराना है। तो ये सब काम करना आपका है, आप ये करेंगे ना? अरे हाथ उठाओ भाई जो करेंगे। अरे आखिरी में मैं लास्ट टाइम रेवंत रेड्डी कहीं अपने इसमें रखे थे कहाँ वो गजल केसीआर के कांस्टिट्यूंसी। अरे देखो केसीआर के कांस्टिट्यूंसी में हम गए थे, वहां बहुत लोग थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर हमने एक चमत्कार दिखाया लोगों को, वैसा ही चमत्कार आपको करना है। आज सबके हाथ में मोबाइल है ना, ले ओ, हाथ में लो, देखो उड़ो नीरू को, सब उठाओ और लाइट लगाओ। निंद पड़ू जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय कांग्रेस जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद शांति से सुनने के लिए, फिर हम मिलेंगे, ये चुनाव है, चुनाव में आते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे। आप सबको फिर एक बार नमस्कार।